आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मुख्यमंत्री के नाम लाइट टेंट साउंड सिस्टम और बैंड बाजा घोड़ी वालों ने सौंपा ज्ञापन। कोविड 19 के अंतर्गत टेंट हाउस, कैटरिंग, घोड़ा घाड़ी वाले, बैंड बाजा, साउंड सिस्टम, हलवाई, फूलमाला डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, फोटोग्राफर व्यवसाय में रियायत के लिए उन्होंने गुहार लगाई। तहसील कार्यालय अंजड़ में गुरुवार देर शाम अंजड़ क्षेत्र के टेंट हाउस, कैटरिंग, घोड़ा घोड़ी वाले, बैंड बाजा, साउंड सिस्टम, हलवाई, फूलमाला डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, फोटोग्राफर आदि ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से एक ज्ञापन तहसीलदार अंजड़ भागीरथ वाखला को सौंपा, जिसमें बताया गया पिछले वर्ष मार्च, अप्रैल, मई, जून में लॉकडाउन के कारण हमारा व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। पिछले वर्ष की मार से हम अभी तक नहीं उबर पाए और इस वर्ष भी शासन द्वारा तय किए गए कड़े नियमों के कारण व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाएगा। हमारा व्यवसाय एक सीजनेबल व्यवसाय है, जो एक निश्चित मुहूर्त के मुताबिक केवल 40 से 45 दिन रहता है, जिसे हमारे और कर्मचारियों के परिवार के साल भर की आजीविका चलती है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण हम काम नहीं चलने से सभी व्यवसायी कर्ज में डूब गए और बैंकों का निजी लोन और कर्जे चुकाने में असमर्थ है, और इस वर्ष भी हमने सीजन की तैयारी 1 से 2 महीने पूर्व कर्ज लेकर कर ली एवं इस वर्ष भी कोविड 19 महामारी के कारण दोबारा शादी समारोह से संख्या की सीमित कर दी गई, जिससे इस वर्ष भी हमारा व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इस विषय को लेकर हमारा आग्रह है कि शादी समारोह से 50 लोगों को बढ़ाकर 400 से 500 क्षेत्रफल अनुसार किया जाए। शादी समारोह से जुड़े हुए व्यापारियों को लॉकडाउन और रात्रि समय में वाहन लाने ले जाने की अनुमति, मजदूरों के आने की अनुमति प्रदान करें। शादी समारोह में कार्यरत स्टाफ की संख्या को दायरे से बाहर किया जाए। आयोजक द्वारा किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही आयोजन भी की जाए। आगे बताया कि समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए 2-3 दिवस में निराकरण करें। जल्द ही हमारा वैवाहिक सीजन होने वाला है। इस अवसर पर ललित पाटीदार, प्रेम दादा जैन, प्रेमलाल दुबे, महेंद्र पाटीदार सहित बड़ी संख्या में संबंधित व्यवसायी मौजूद रहे। अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट। क्या ज्ञापन दिया गया है? ये टेंट एसोसिएशन, बैंड एसोसिएशन, घोड़ा एसोसिएशन, हलवाई और केटरिंग वाले, बैंड बाजे वाले सारे मिलकर एक एसोसिएशन बना के यहाँ पे तहसीलदार महोदय को, मुख्यमंत्री और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन पहुँचाया है, जिसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो गाइडलाइन शासन की आई है, इसमें जो 50 लोगों की परमिशन दे रहे हैं, तो हमारा कहना है कि जो क्षेत्रफल के अनुसार कोई धर्मशाला या गार्डन में कैपेसिटी 1000 की हो तो वहाँ 200-300 की परमिशन जरूर दे, और साथ में जो 50 लोगों में गिनती जो होती है वो टेंट वालों, हलवाई, इनके लेबरों की भी गिनती होती है, इनको छूट दी जाए। साथ में लॉकडाउन के समय अधिकांश मुहूर्त हमारे लॉकडाउन के दिन है, रविवार 25 तारीख को हमारे मुहूर्त है। अब रविवार को यदि लॉकडाउन रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? हमारी जीविका इसी पर आधारित है। कितने लोग होंगे इस रोजगार से जुड़े हुए और कितने परिवार उनसे लगे हैं? अंजड़ में करीब करीब 800 से 900 परिवार ऐसे हैं जो इस पर आधारित है। और टेंट एसोसिएशन और लाइट और जो साउंड की जो बात कर रहे हैं, तो कितने लोग ये काम से जुड़े हुए हैं? इसमें टेंट से संबंधित और लाइट है, बैंड बाजे हैं, घोड़े, सभी व्यवसाय जो है शादियों पे, हम सीजनली धंधा है हमारा, इसी पे आधारित है। लगभग 700-800 परिवार जो लेबर सहित है वे सारे इस पे। टेंट की बात करें तो टेंट में भी आज अंजड़ में 13 टेंट वाले हैं, बैंड वाले कम से कम 20 लोग हैं, ऐसे कम से भी जो मजदूर जो है जो टेलीविजन पर काम करते हैं उनके परिवार भी इनसे ही चल रहे हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, क्या स्थिति पिछले साल की? पिछले साल की भरपाई आज तक हम नहीं कर पाए हैं और न कोई शासन द्वारा हमें कोई मदद मिली है, और हम चाहते हैं किसी प्रकार की मदद तो ठीक है, हम मेहनत करके करना चाहते हैं, बाकी हमें कोई ऐसी छूट मिल जाए ताकि हम करें। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिन लोगों ने पत्रिका छपवा ली है शादी के है वो क्या करे, कैसे करे, पूरे गाँव में ऐसा माहौल बना हुआ है। आज 8 दिन बाद मुहूर्त चालू होने वाले हैं, किसी प्रकार से हम कोई नए ऑर्डर ले रहे हैं अभी? आप नए तो नहीं ले रहे हैं, पुराने भी हमारे कैंसिल होते जा रहे हैं। जो 1200 की रसोई थी वो 200 पे, 100 पे, 50 पे गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हाल स्थितियाँ ऐसी है कि रोज़ हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं।